हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आशा करते ठीक ही होंगे। हम सब भी ठीक है। चलिए, सुबह सुबह आज आप लोगों के सामने न्यू ब्लॉग हम शुरू कर रहे हैं। तो देखिए, मेरा सब कुछ काम हो गया है सुबह का, और हम नहा भी लिए हैं। अभी बस नाश्ता का बाकी है, नाश्ता करेंगे, फिर उसके बाद खाना उना बनाएंगे। तो चलिए, आप लोग वीडियो में बने रहिए, आप लोगों को हम दिखाएंगे कि आज हम लोग क्या नाश्ता करेंगे और क्या क्या बनाएंगे। तो एकदम वीडियो में बने रहिए, सब कुछ आप लोगों को दिखाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मेरा नाश्ता बन के रेडी हो गया, आप लोगों को दिखाते हैं हम क्या नाश्ता बनाए हैं आज। देखिए, हम बनाए हैं घुगनी, बन गया है, और मेरा छोटू भी खा रहा है इधर। देखिए, घुगनी मूढ़ी आज हम लोगों का है। छोटू क्या खा रहा है? देखिए क्या खा रहा? घुगनी मूढ़ी। देखिए मेरा छोटू खा रहा है। हाय, गुड मॉर्निंग। आप नहीं खाएगा? खाएंगे, देंगे। खाने के लिए बैठे हैं, अभी देंगे, सब लोग नाश्ता कर लेंगे। तो चलिए, आज का हम लोग का नाश्ता घुगनी मूढ़ी। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग बैठ गए हैं सब नाश्ता करने, ले लिए हैं मूढ़ी, घुगनी मूढ़ी, और खा ले खाएंगे अभी। देखिए, तो चलिए नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। और हाँ, नंदिनी अभी पूजा कर रही है, उसका थोड़ा लेट है, मंदिर जाएगी, उसके बाद खाएगी, तो उसके इसलिए हम खा लेते हैं, उसके बाद खा लेगी। तो फ्रेंड्स, देखिए हम पूजा करके आ गए हैं, और हम नहा भी लिए हैं। अभी हम खाएंगे मूढ़ी, तो जब खाते हैं बैठ। देखिए इधर है मेरा मूढ़ी, तो चलिए खा लेते हैं, फिर दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मेरा घुगनी मूढ़ी खाना हो चुका है। हम चॉकलेट खाने लगे थे, फ्रूट वाला मिक्स फ्रूट। तो आज है हनुमान जयंती, इसलिए मैं पूजा की, और मुझे मम्मी बाद में जब मैं मूढ़ी करके तब मम्मी बता दी, तो हम बोल दे रहे हैं आप लोग को, हम खा लेते फिर आपसे मिलेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं किचन में आ गई हूँ, खाना बना रही हूँ। देखिए दाल बैठाए हैं, और आलू भिंडी का भुजिया बना रहे हैं, और इधर हम भात बैठाए हैं। देखिए तो तीन चीज हम एक साथ बना रहे हैं, भात दाल और आलू भिंडी का भुजिया। और इधर देखिए कटहल हम देखिए काट के रखे हैं, पानी में दे करके कटहल का सब्जी बनाएंगे, और दाल आलू भिंडी का भुजिया। तो चलिए इस करके हम बना लेते हैं, और आप लोगों को भी दिखाते हैं। देखिए आलू भिंडी का भुजिया बना रहे हैं। देखिए गाइस, मेरा उत्तम हो चुका है। देखिए आलू भिंडी का भुजिया है, और इधर दाल, देखिए, और यहाँ पर है भात, भात दाल आलू भिंडी का भुजिया मेरा हो गया है। और इधर हम बैठ रहे हैं कटहल को, देखिए इसको हम लिए उबलने के लिए, उसके बाद मसाला देखिए बनाएंगे। पहले इसको उबलना पड़ता है, सब लोगों को तो पता ही होगा, तो इसलिए हम देंगे इसको उबलने के लिए। और जो तो उबल जाएगा, उसके बाद मसाला दे करके फ्राई करना पड़ेगा, तो उस पर दिखाएंगे आप लोगों को। देखिए फ्रेंड्स, कढ़ाई में हम तेल बैठा दिए हैं, और इधर देखिए मेरा कटहल उबल गया है पूरा। देखिए हम थोड़ा नमक और हल्दी दिए हैं थोड़ा सा, अच्छा दिखेगा इसीलिए। तो तेल गर्म हो जाए, और इधर हम मसाला पीस लिए हैं। देखिए आधा लहसुन, मिर्चा, प्याज दबा के पेस्ट बनाए हैं, और इधर प्याज लिए हैं एक छोटा साइज का, छोटा छोटा टुकड़ों में काट लिए हैं। तेल में दे देंगे प्याज। देखिए तेल गर्म हो गया है मेरा। देखिए फ्रेंड्स, मेरा प्याज फ्राई हो गया था, इसलिए हम मसाला डाल दिए हैं, और मसाला का जो हम फ्राई कर रहे हैं, मसाला को अच्छे से फ्राई कर लेंगे, उसके बाद हम कटहल को डालेंगे।
देखिए देखिए फ्रेंड, मसाला पूरा अच्छे से फ्राई हो गया है। देखिए कितना अच्छा दिख रहा है, बहुत तेल निकल गया है। अभी हम कंधर को डाल देंगे इसमें और पानी ऐड नहीं करेंगे, इसे मीडियम फ्लेम पर इसे करेंगे क्योंकि इसको हम पहले से उबाल लिए हैं। तो इसको अच्छे से फ्राई करेंगे और मेरे कंधर का सब्जी रेडी हो जाएगा। थोड़ा गर्म मसाला डाल देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा कंधर का सब्जी बन के रेडी हो गया है। देखिए इसमें हम पानी ऐड नहीं कर रहे हैं, वो पानी ऐड करने से अच्छा नहीं लगता मेरे को, इसलिए हम शिकायत में किए हैं। देखिए थोड़ा अच्छे से फ्राई कर लिए हैं, पूरा मसाला एकदम। देखिए बहुत ही टेस्टी बनता है। तो देखिए मेरा सब्जी बन के रेडी हो गया है। देखिए देखिए कितना गर्मी लग रहा है, एकदम पूरा पसीना पसीना हो गया। तो चलिए अभी मेरा हो गया खाना बनाने का काम, इसके बाद हम लोग कुछ देर बाद खाना खाएंगे, फिर मिलते हैं आप लोगों से। पहले दिन में बने रहिए। देखिए फ्रेंड्स, मेरा सब्जी रेडी हो गया, तो इसलिए हम थोड़ा लेकर आ गए हैं। खाना तो बाद में खाएंगे, तो थोड़ा खा लेते हैं सब्जी को। कैसा बना? बहुत ही टेस्टी है। हाँ। मेरे को बहुत अच्छा लगता है कटहल का सब्जी। देखिए इसलिए हम खा रहे हैं, पहले ही नहीं खाएंगे। नहीं खाएगा? नहीं। मत खाओ। ठीक है सर। देखा जी, देखिए मेरा सब्जी बन के रेडी हो गया, आप लोगों को तो दिखाए। तो देखिए हम थोड़ा लेकर आए हैं, हम खाएंगे क्योंकि मेरे को कटहल का सब्जी बहुत ही अच्छा लगता है। तो खाना तो बाद में खाएंगे, इसलिए सोचे अभी थोड़ा सब्जी खाएंगे और आप लोगों को भी बता देते हैं कि कैसा बना है, इसलिए हम लेके आए हैं। चलिए आप लोगों से दिखाते हैं। बहुत टेस्टी बना है कटहल का सब्जी। चलिए वीडियो बने रहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में यही पर रखते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिए, चैनल पर जो नए सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।